जिस चीज का डर था वही हो गया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस जंगल में रात हो जाए, अंधेरा हो जाए। थोड़ा पैर फिसला तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। पाक साफ जगह है, इसको पाक साफ ही रहने दे। कहीं बालू ना हो अंदर। क्या है पहाड़ों के बीचों बीच हमारा आज का सफर। वैसे रात कैसे गुजरी हमारी वो हमें ही मालूम है। बर्फ के पहाड़ों के बीचों बीच जब आप रात गुजारते हैं ऐसा समझिए कि खुशनसीब हैं आप। मैं तो कहता हूं असल जिंदगी आपको पहाड़ों में ही मालूम हो जाती है। और जो हम इस दुनिया में जुल्म, झूठ, फरेब, धोखा करते हैं ना, इस सब का हिसाब होगा। क्योंकि तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वेलकम टू सोरस मर्ग। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, रात को हम पहुँच गए थे, आज हमारा तीसरा दिन है। पहलगाम से ये ट्रैकिंग सीरीज स्टार्ट हो गया था। पिछले व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वो आप देखेगा ज़रूर। रात को हम यहाँ पे पहुँच गए थे, यहाँ पे हमने टेंट्स लगाए थे और पहुँचना था वहाँ पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, पॉसिबल नहीं था, अंधेरे में पहुँच गए थे। इधर यहीं पर टेंट वगैरह लगा दिया। आज का सीन ये है, अपने टेंट्स वगैरह यहीं पे रखने हैं, खाली थोड़ा सा हमने खाना उठाया इस बैग में बस, और ट्रैकिंग पोल्स। आगे की ओर बढ़ेंगे, वो जो आप बर्फ़ देख रहे हैं ना, उस पहाड़ी के पीछे हम क्रॉस करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे है सोरस लेक और इस पहाड़ी के पीछे और एक सोरस लेक है। आजकल ट्रैकिंग का सीज़न तो नहीं है, इसलिए हमने पटाखे साथ लाए थे, वो आप देखेगा पिछले व्लॉग्स में। जानवरों का खतरा रहता है इस सीज़न में तो। यस, चलो भाई लोग, यहाँ से बर्फ है, देख लो। वाह। और आप लोगों से मैं कहता हूँ, खासकर बच्चों से, ऐसे बर्फ बिल्कुल भी ना खाएगा, कभी भी नहीं। चले जी, ये देखो, अब हम थोड़ी सी दूरी पे हैं। ये पीक मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से जाएंगे। वहाँ से भी ग्लेशियर है, यहाँ से भी ग्लेशियर है। आई डोंट नो। हाँ, पंबच जंगली साग वी कैन से है। पंबच गए है, सुना है नाम इसका, पंबच। ये फ्रेश है भाई लोग, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तीन कसूरवार है। नहीं नहीं, अच्छा है। यस, कश्मीरी लोगों को तो पता है दिस इज कॉल्ड पम्बच। तो कश्मीर के बाहर जिनको नहीं पता होगा ना, को कहते हैं जंगली साग। और मेरे से बेहतर अगर कोई जानता है तो वो प्लीज़ बताइएगा क्या है इसकी खासियत। चलो भाई, इधर किसी को दफनाया है ना? हाँ हाँ, फाते पढ़ लो भाई, क्यों नहीं। और हर किसी के लिए दुआए मगफिरत। Yes, we are about to reach. थोड़ा सा फासला है। अल्लाह हू अकबर। साहब वेलकम टू सोरस लेक। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और इस मौसम में ना कोई कोई आता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो जून जुलाई में आते हैं, लेकिन हम जो है ना, हम कभी भी आते हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत सुहाना
इसे खूबसूरत मंजर यहाँ पे जून जुलाई में होगा, क्योंकि सामने बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर, यहाँ से भी और यहाँ पे बिल्कुल सामने लेक, सोरस लेक, और इस पहाड़ी के पीछे और एक लेक है, उसको भी मैंने गूगल पे देखा था, उस पर भी सोरस लेक ही लिखा है। और जैसे मैंने सुना है कि उसको शायद कश्मीर में चेरनाग बोलते हैं, आई डोंट नो, आप जिसको पता है कि वो मुझे बताइएगा। और जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, वज़ू बनाएं, नमाज पढ़ें, अजान दे पहले, उसके बाद नमाज पढ़ें, दैट विल बी गुड, जो हम भी करेंगे अभी। क्या है भाई? वाह, लेकिन पानी आज कम है इसका ना। स्वागत करते हैं आप सबको कश्मीर के इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीचों बीच सोरस लेक में। यहाँ तक आने के लिए हमें 2 दिन लगे हैं पहलगाम से, और बहुत सारा सब्र करना पड़ा, बहुत सारे पहाड़ भी क्रॉस करने पड़े। इस खूबसूरत से नज़ारे पे नज़र पड़ते ही दिल की धड़कनें तेज होती गई, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और इस सीजन में तो कोई भी नहीं। वैसे हमारा प्लान था कि हमें ये पहाड़ क्रॉस करना है, क्योंकि इसके बाद और एक लेक है जिसको सोरस लेक ही कहते हैं, जैसे मैंने कहा आप सबको। और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो टुलेन पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ से भी आज ऊपर ग्लेशियर है इसका, तो नॉट पॉसिबल नाउ। आई थिंक यहाँ पे आधा घंटा हम स्पेंड करेंगे, है ना, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मज़ा आएगा आज। ऐसे मेरी एक सजेशन है आप सबसे, जब भी आप लेक्स पे जाएं ना, लेक्स में कभी ना नहाएं। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो ये लेक है यहाँ पे, यहाँ से पानी नीचे आता है, तो कोशिश करें कि आप इस एरिया में पानी पिए। जो भी आपको करना, अगर आपको नहाना भी है तो इस एरिया में नहाएं, लेक्स की तरफ ना नहाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी लेक्स पे जाते हैं ना, तो फिर कपड़े उतारे और डुबकी लगाए लेक्स में। मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। पाक साफ़ जगह है, इसको पाक साफ ही रहने दें। इस एरिया में अगर ग्लेशियर नहीं होता ना, तो फिर हमें यहाँ से ये क्रॉस करना था ऊपर से, और ये वाला पीक हमें क्रॉस करके और एक लेक पे हम पहुँचते। आज शायद हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन जाएंगे पक्का, ज़िंदगी रही तो वादा है आपके साथ, जाएंगे उधर भी। चलो भाई लोग, लगता है बारिश होगी, बादल मुरझाए हुए देखो। और यहाँ पर जब बारिश होती है ना, भयंकर तरीके से बारिश होती है। देखो भाई, यू शेप्ड है ये, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर बराबर यू शेप्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आहिस्ते से भाई, कहीं बालू ना हो अंदर। क्या है? क्या कुरमत? ओह, यहाँ पे क्या हो गया है? ये बालू ने किया है? हाँ। अरे यार, अभी पहले हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे इस नज़ारे में, मैगी वगैरह, उसके बाद हम नीचे की ओर जाएंगे। लेकिन इधर हवा तेज है भाई। वाह बढ़िया, इससे अच्छा, इससे सुहाना, इससे खूबसूरत मंजर क्या होगा भाई, है ना। ये वाला टेबल जो है ना, इसने साथ नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है वहाँ पे। अब हम इधर को बनाएंगे। ले भाई, इधर भी हवा है ना। ऐसे घर में हमने सोचा नहीं था हम मैगी बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त है। देखो ये साइड में ये लोग ना पत्थर लगाते हैं इसको ऐसे, और ऊपर जो है फुल लकड़ी का होता है ये,
इस एरिया में खाली एक ही हमने देखा, ये खाली एक ही, और किसी जगह पे नहीं देखा हमने ये। हाँ ये हमारा घर। यहाँ पे ये लोग नमाज पढ़ते हैं जून जुलाई में, जब ये लोग भेड़ बकरी को लाते हैं ना इधर, ये नमाज पढ़ने की जगह है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। और वहाँ पे भी कुछ बनाया है छोटा सा, शायद वो किचन वगैरह होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने, माशाल्लाह। लेट्स पैक एवरीथिंग, फटाफट से पैक कर लो और निकलेंगे। निकलेंगे ऑल पैक। हाँ ये इम्पोर्टेंट है भाई, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, इधर रहेगा तो बेहतर है। लेट्स गो, बाय। भाई लोग अभी हम इस एरिया खूबसूरत से एरिया को खूबसूरत सी वादी को बाय बाय करते हैं, लेकिन ये पीक हमें करना है इंशाल्लाह। हमें नीचे उतरना है, कल हम इसी रास्ते से आए थे भाई, 9-9.5 घंटे का ट्रैक था वो, जो आप देख रहे हैं ना, इधर से हमें जाना है उधर नीचे की ओर, फिर ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसके पीछे और एक पहाड़ है, उसके बाद और एक पहाड़ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पैर यहाँ पे संभल के रखना पड़ता है क्योंकि फुल पत्थर ही पत्थर है, अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो पता नहीं, नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पहुँच जाएंगे इंसान। कहाँ से भाई? ये वाला एरिया इज बहुत डेंजरस है भाई, हम दूसरे रास्ते से आ गए बट इधर से रास्ता नहीं है, इसे निकालना पड़ता है भाई, थोड़ा पैर फिसला तो खत्म। गेम ओवर। बाय, मैं नहीं आऊंगा। हुई ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, ऐसे उतरना है पीछे, कम से कम 25, कल तो हमें 35 किलो था पीछे, आज 25 तक होगा, टेंट का ही वजन कम से कम 8-9 kg है, रियली टफ। अभी मुझे लग रहा है अंधेरा होगा तो बेहतर है, ये वाला हम जल्दी से क्रॉस करेंगे। ओए ओए ओए, कहाँ से, यहाँ से? ओए पागल, खत्म हो गया था बंदा। चलो पानी है थोड़ा नीचे। हाँ हाँ पानी है। ओ अंधेरा अभी तो हो गया भाई, अब कोई फायदा नहीं, अब सिर्फ दिमाग रखना है, आसपास देखना है, आगे बढ़ना है, दैट्स इट। अच्छा जिस चीज का डर था वही हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस जंगल में रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, बट द मेन थिंग इज अब हम स्टे नहीं करेंगे कहीं पे, स्ट्रेट टू पहलगाम, पहलगाम पहुंचना है किसी भी हाल में। But this was tough. Speak was too tough. Bye. Kuladi. हाँ ये वाला, ये वाला। वैसे अब अंधेरा हो गया अच्छे से। Now
हम सबके पास कुल्हाड़ी है, 1, 2, 3 और ये कटापा, दिस वन। सामने कुछ भी आ जाए एटलीस्ट वी कैन फाइट, फिर जिंदा रहना क्या होगा वो सब अल्लाह के हाथ में। हसमो हमारी ये वाला एरिया टॉर्च के बगैर क्रॉस करना बहुत डेंजरस। और एक टॉर्च, हाँ चार्ज है ये, हाँ बढ़िया है, क्योंकि ये वाला जंगल जो है ना सामने, टॉर्च इज इम्पोर्टेंट मेरे पास। चलो भाई लोग, देखो भाई ऐसे मैं एक ही बात बोलूँगा, आप कभी भी बिल्कुल भी रात को ऐसे ट्रैक ना करें। मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव 2 प्रोफेशनल ट्रैकर्स हियर, एक बंदा 2 बंदा। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो आराम से, जस्ट काम डाउन, दिमाग को ठंडा रखना है, आगे बढ़ना है। हाय लोग, फुल अंधेरा, अच्छी खासी रात हो गई, अब क्रॉस करना है भाई, खाली ध्यान रखना है कि आगे कोई जानवर ना हो, बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से। चलो हाँ जी भाई लोग, वी आर अबाउट टू रीच, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खाली अब हमें 5 है ना, 5 मिनट लगेंगे एंड हम अपनी गाड़ी में चढ़ेंगे। स्टे ट्यून, ऐसा सबर करें। पहलगाम की इन गलियों में हम पहुंच गए वापस, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वॉज अमेजिंग ट्रैक, बहुत मज़ा आया और अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। सोचा नहीं होता है इंसान ने कि हम इतनी हिम्मत करेंगे, बट एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर माइंड। बस निकले, काम को थाम ले और आगे बढ़े। इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ट्रैकिंग सीरीज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, एंड सब्सक्राइब करें तो प्रेस द बेल आइकन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क किया था इधर, तो यस, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। सभी एपिसोड्स देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स एक एक करके हैं। टेक केयर, इट्स अमेजिंग ट्रैक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैन। चलो जी पैक कर दो गाड़ी में।